हेलो बच्चों, बहुत 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 स्वागत है आप सबका ई सरल पे। तो देखो यार, आज बहुत जबरदस्त सरप्राइज लेके आए आपके लिए, एक कॉलेज प्रिडिक्टर टूल। भाई ई सरल की टीम ने यार बहुत मेहनत करके, लिटरली बहुत मेहनत लगी, इसमें एक टूल बनाया है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि जेई में किस रैंक पे आपको क्या क्या कॉलेज मिल सकता है, बेस्ड ऑन 2020 का जो लेटेस्ट डेटा था, लास्ट ईयर का जो लेटेस्ट डेटा था, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के हिसाब से किस रैंक पर आपको क्या क्या इंस्टीट्यूट मिल सकता है। इस टूल को पूरा यूज करना सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। इट्स एब्सोल्युटली फ्री टूल, पूरा 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 फ्री है यार। सारे दोस्तों के साथ बिंदास शेयर करना है इसको। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। तो ईसरल ऐप में यह टूल खुलेगा, तो जिन्होंने ईसरल ऐप डाउनलोड नहीं करी उनको पहले ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलेगी लिंक, फिर यह कोर्स मिल जाएगा। इट्स एब्सोल्युटली फ्री यार, ये बहुत हेल्पफुल टूल है। देखो यार, मतलब क्या होता है ना, कॉलेज छांटने में बहुत मुश्किल होती है यार, मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, इतने सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना। कैटेगरी होती है, फिर ड्यूरेशन होती है, 4 ईयर 5 ईयर का है, फिर किस कोटा में है, होम स्टेट है, अदर स्टेट है, ऑल इंडिया कोटा क्या है ये, फिर जेंडर न्यूट्रल है, फीमेल ओनली कैटेगरी है, फिर जे एडवांस या है, जेई मेन है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये सब आपके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए इसरल की टीम ने टूल बनाया है, सारे जेई एस्पिरेंट्स के लिए ये यूजफुल टूल है। जिनकी भाई अभी काउंसलिंग है, जो अभी कॉलेज ढूंढ रहे हैं, उनके लिए तो है ही सही, पर जो आगे 2022-23-24 जबकी तैयारी भी कर रहे हैं, वो भी देखना चाहें यार, मैं जिस कॉलेज को टारगेट कर रहा हूं उसके लिए मुझे कितनी रैंक लानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जेई एडवांस के हिसाब से देखूं, इसमें जस्ट ये पेज जो खुला हुआ है, तो आईआईटी बॉम्बे ओपन कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी, 4 साल की कंप्यूटर साइंस, ऑल इंडिया रैंक 2 से चालू होकर 66 पे क्लोज हो गई, मतलब 67th रैंक वाले को भी आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस नहीं मिली। 67th रैंक वाले को भी 4 साल का आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस नहीं मिली, जनरल न्यूट्रल और ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, है ना। सर यहां पर वन क्यों नहीं है? यार 2020 का वन चिराग जो है वो एमआईटी में चला गया, ठीक है ना, तो इसलिए उसकी काउंसलिंग में रैंक काउंट नहीं हुई है यहां पर, ठीक है ना, इसलिए 2 से चालू है। तो ऑल इंडिया रैंक 2 से, ऑल इंडिया रैंक 66 एडवांस के बच्चों ने आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस चूज करा, मतलब इसके लास्ट रैंक ये थी और पहली रैंक ये थी, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक, ये फंडा होता है, ठीक है। चलो, तो यार इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बहुत यूजफुल टूल है। अब जैसे स्टार्ट करते हैं, तो देखो सबसे पहले देखो यार, यहां पर हमने 2 साल का डेटा लिया है, 2019 का और 2020 का। मैं 2020 के हिसाब से बता रहा हूं, आप 2019 से भी कंपेयर कर सकते हो कि यार 2019 में कहां पर गई थी, 2020 में कहां पर गई थी। हम 2020 की बात करते हैं। कैटेगरीज है, ओपन मतलब जनरल कैटेगरी, बाकी ओबीसी एससी एसटी जनरल ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना। अब मैंने यार यहां पर ओपन कैटेगरी सेलेक्ट कर रखी, जनरल कैटेगरी मतलब, ठीक है ना। तो अब मैंने यहां पर सपोज करो डाल दिया यार, मेरी 40,000 रैंक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, सपोज करो मैंने गो पे क्लिक कर दिया, तो मुझे पता पड़ जाएगा देखो कि भाई 40,000 रैंक पे जेई मेन के कॉलेजेस के हिसाब से मुझे कहां पर क्या क्या चीजें मिल सकती है एज पर 2020 का डेटा। थोड़ी रैंक्स ऊपर नीचे हो सकती हैं, हर साल होती हैं डेफिनेटली, लेकिन मुझे एक आइडिया मिल जाएगा। जैसे मुझे एनआईटी हमीरपुर में ओपन कैटेगरी 4 साल इंजीनियरिंग फिजिक्स, फीमेल ओनली कोटा है पर यार ये फीमेल ओनली कोटा है यहां पर, नहीं मैं भाई यहां पर जेंडर न्यूट्रल सेलेक्ट कर लूंगा। अगर आप फीमेल नहीं है, है ना, गर्ल्स कैटेगरी में नहीं आते, तो यार जनरल न्यूट्रल सेलेक्ट कर लें, तो ये आपको फिर एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 साल की मिल रही है, ठीक है ना। ये यहां पर आपको देखना है अदर स्टेट, भाई इसमें यहां पर ऑप्शन भी देख लो यार, ऑल मतलब सबके लिए, ठीक है, सारी सारी चीजें आ जाएंगी। कोटा कौन कौन सा है, एआई मतलब ऑल इंडिया कोटा, ठीक है, एचएस मतलब होम स्टेट, तो होम स्टेट की कुछ सीट्स रिजर्व होती है जेई मेन में, तो एचएस का मतलब होम स्टेट होता है, अदर स्टेट मतलब उस होम स्टेट को छोड़ के बाकी सारी स्टेट्स वालों को कौन सा मिल रहा है। तो यार अगर मैं मतलब अरुणाचल प्रदेश से हूं और अरुणाचल प्रदेश मेरी स्टेट लगती है, तो फिर मैं होम स्टेट देखूंगा अरुणाचल प्रदेश में मुझे कौन सी रैंक से मिल जाएगी, और मैं अरुणाचल प्रदेश के बाहर से हूं तो मैं ओएस देखूंगा अदर स्टेट वाला, ठीक है। तो मेन ये 3 ही है, बाकी ये तो ठीक है, इन दोनों पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 जो है, एआई, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया कोटा जनरली आईआईटीज और ट्रिपल आईआईटीज एआई यूज करती हैं, ठीक है ना। आईआईटीज में ऑल इंडिया कोटा होता है, आईआईटीज में जे एडवांस के रैंक के थ्रू होम स्टेट और अदर स्टेट नहीं होता है, ठीक है ना। तो यार जब आईआईटीज आएंगी तो ऑल इंडिया, एचएस होम स्टेट, ओएस मतलब अदर स्टेट, ठीक है। तो यार आप ये देख सकते हो कि मुझे, और ट्रिपल आईआईटी में भी ऑल इंडिया कोटा ये लग रहा है यहां पर,
ठीक है। तो आप ये देख सकते हो मुझे क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या ऑप्शन है। तो यहां पर नेक्स्ट 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 करके आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे कि मुझे 40,000 रैंक पे क्या क्या मिल रहा है जेई मेन की। समझ गए। तो आप ऐसे इसमें कोई भी रैंक, जैसे आपको लग रहा है यार मेरी मेरी यार 30,000 रैंक आएगी मेरी, यार परसेंटाइल के हिसाब से रैंक भी आ गई, मान लो 30,000 रैंक आएगी, तो आप 30,000 डाल के यहां पर चेक कर सकते हो कि जेई मेन में 30,000 के हिसाब से मुझे क्या क्या मिल सकता है। तो वो आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्लोजिंग रैंक में है, ये मतलब ये कि भाई 30,000 से जस्ट बाहर की जो थी ना, मतलब ये जस्ट बाद में उसके हिसाब से हमने सॉर्ट कर रखी है। अब आप इसमें इंस्टीट्यूट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी हमने दिया है कि मुझे पर्टिकुलर देखना है कि कौन से इंस्टीट्यूट में मुझे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैं जे एडवांस में डालता हूँ बच्चों, जे एडवांस में सपोज करो मेरी 1,000 रैंक आई है ना, मेरी 1,000, मेरी तो 41 आई है, बट ठीक है मैं जनरल बता रहा हूँ आपको, 1,000 रैंक का डाल दिया यहां पर, ठीक है ना। तो 1,000 रैंक पे मुझे यार आईआईटीज में देखो मेन और एडवांस की काउंसलिंग सेम एक साथ होती है, लेकिन कॉलेजेस जो है ना रैंक्स के हिसाब से मिलते हैं, जेई मेन की रैंकिंग के हिसाब से जेई मेन के कॉलेजेस मिलते हैं, जे एडवांस के कॉलेजेस जे एडवांस की रैंकिंग के हिसाब से मिलते हैं। तो यहां पर रैंक टाइप भी लिखी हुई है, ठीक है ना। तो देखो 1,000 रैंक पे मुझे यार बॉम्बे में इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल सकती है, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ यार मेरी 1,000 रैंक है भाई, मेरे को बॉम्बे में क्या क्या मिलेगा। मैंने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, मैं देखना चाहता हूँ मुझे तो ये बता दो बॉम्बे में क्या क्या मिल रहा है। तो यार बॉम्बे में क्या क्या मिल रहा है, तो मेरे पास पूरा बम्बई 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 आ जाएगा कि मुझे भैया आईआईटी बॉम्बे में 1,000 रैंक पे क्या क्या मिल रहा है। ये भी पूरी फैसिलिटी दी है, ठीक है ना। तो यार मतलब बहुत गजब का टूल बना है, ठीक है। अब मुझे सर्च करना है, चलो यार मैंने 1,000 रैंक पे जनरल सर्च कर लिया, अब मेरे को सर्च करना है यार मुझे कंप्यूटर साइंस कहाँ कहाँ मिल रही है। तो मैं इस प्रोग्राम नेम में कंप्यूटर टाइप कर दूंगा, COMPUTER। तो अपने आप देखो कंप्यूटर साइंस की सारी ब्रांचेस आ गई रेस्पेक्टिव ऑफ IITs कि मैं 1,000 रैंक पे मुझे यहां यहां ऑल इंडिया कोटा में इतने साल ड्यूरेशन की जे एडवांस रैंक के हिसाब से ये IITs मिल सकती है। तो यार ये इंडिया में ऐसा टूल कहीं पर भी नहीं है अभी, मैं सही बता रहा हूं, जो आपको इतनी हेल्प कर देगा, जो आपको इतनी हेल्प कर देगा। तो भाई आपको इसको पूरा यूज करना आ जाएगा, वो सिंप्लीफाइड तरीके से बताया। अब मेरे को, मैं चाहता हूं यार मैं कंप्यूटर साइंस सिर्फ 4 साल के देखना चाहता हूं, मैं 5 साल के कोर्स में नहीं चाहता हूं, 4 साल के कंप्यूटर साइंस देखना चाहता हूं। तो कंप्यूटर टाइप कर दिया 4 साल, अब मुझे IIT इंदौर में कंप्यूटर साइंस मिलेगी यार 1,000 रैंक पे, और फिर मुझे IIT रुड़की में कंप्यूटर साइंस पर फीमेल ओनली है, नहीं भैया मैं जेंडर न्यूट्रल डाल देता हूँ। तो देखो यहाँ पर जेंडर न्यूट्रल सेलेक्ट कर लो तो आपको पता पड़ जाएगा यार, तो आपको इंदौर, गांधीनगर, रोपड़, भुवनेश्वर, पटना, जोधपुर, इधर कंप्यूटर साइंस मिल सकती है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, ये टूल आपको 2020 के डेटा के हिसाब से बताएगा या 2019 के डेटा के हिसाब से बताएगा आपको क्या क्या मिल सकता है। अब भाई डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के बच्चे हैं, मान लो कोई बच्चा अगर ओबीसी कैटेगरी का, तो ओबीसी सेलेक्ट कर ले और ओबीसी के हिसाब से जेई मेन की रैंक डाल दी कि भैया मैं ओबीसी में हूं और मेरी 10,000 रैंक है ओबीसी के हिसाब से। तो यार मैं ओबीसी के हिसाब से गो पे क्लिक कर दिया, ठीक है ना। ओबीसी कैटेगरी की सारी ब्रांचेस NIT, IIIT जो भी जेई मेन की तरफ से मिलती है वो सब आ जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है इस टूल में। फिर बता रहा हूं यार मैं, ये बहुत हेल्प होने वाली है। अब मान लो यार मैं 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता हूं यार जेई का, अब मैं देखना चाहता हूं यार एक्चुअली मैं टॉप पे कौन सी IIT चल रही है, अभी IIT का ऑर्डर क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहां पर जे एडवांस की रैंक 1 डाल दूंगा, तो फिर रैंक 1 में अब मेरे पास ऑर्डर आ गए यहां पर। अब पता है मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर ना कंप्यूटर टाइप कर दूंगा, मैं देखना चाहता हूं अक्रॉस दी IITs सबसे पहले ऑर्डर में क्या चल रही है, ठीक है। तो मैं इसको यहां पर जनरल न्यूट्रल कर देता हूं, मैं यहां पर 4 ईयर्स कर देता हूं उसको, कोटा ऑल इंडिया है। तो देखो अपने आप आपको एक ऑर्डर डाइस मिल जाएगा कि यार बच्चे जो है किस ऑर्डर में IITs को प्रिफर कर रहे हैं। सबसे नंबर 1 पे आ रही है IIT बॉम्बे, फिर आ रही है दिल्ली, फिर मद्रास, फिर कानपुर, फिर खड़गपुर, फिर रुड़की, फिर हैदराबाद, फिर गुवाहाटी, फिर वाराणसी, फिर इंदौर। इस ऑर्डर में बच्चों ने सिलेक्शन किया है लगभग लगभग। तो आप ये भी देख सकते हो कि IITs की बच्चों की डिमांड के हिसाब से क्या रैंकिंग चल रही है, ठीक है ना।
तो बहुत सारी चीजें आप इस टूल के साथ में कर सकते हो, इसको यूज करो प्रॉपर, आपको काउंसलिंग में बहुत मदद मिलेगी। जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मैं आपके लिए काउंसलिंग का वीडियो भी लेके आऊंगा कि भाई काउंसलिंग कैसे भरनी चाहिए। ईसरल आपको पूरा एंड तक सपोर्ट करेगा, आप चिंता मत करो, ये पूरा फ्री टूल है बच्चों, ठीक है ना। इसमें आप सब कुछ सर्च कर सकते हो, सारी चीजें देख सकते हो इसमें, आप एक्सप्लोर करो इसको, आपको आईआईटी देखनी, एनआईटी देखनी, ट्रिपल आईआईटी, जीएफटी है, जो भी। तो इसमें यार हमने बहुत काम कराया है इस टूल में, मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों की इतनी प्रॉब्लम आती थी, सर मैं सामने मतलब हजारों चॉइसेस हैं, मैं क्या भरूं, कहां से भरूं, क्या देखूं। अब ये टूल आपके काम आएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एब्सोल्युटली फ्री टूल है, ठीक है, यूज करो और मचाते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट, मचाना है, फोड़ना है।